वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका महालक्ष्मी डियर किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं मैदे से बहुत ही खस्तेदार और परतदार लिंकी या शक्करपारी की रेसिपी। तो उसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप के जितना मैदा। और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जितना नाइजेला सीड या मंगरेल और 1 टीस्पून डालेंगे अजवाइन और डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी डालेंगे इसमें ऑयल ताकि बहुत ही खस्ता निमकी बन सके। लगभग 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल मैंने डाला है इसमें और इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी मैंने तेल को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और कुछ इस तरह का बाइंडिंग दिखने लगेगा मैदे में। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका बहुत अच्छे से डो बना लेंगे। अभी निमकी का डो बहुत ही अच्छे से बन चुका है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अभी मैंने डो के 4 बड़ी लोइयाँ बना ली हैं और इनको हम एक बड़ी चपाती के जितना बेल लेंगे। अभी मैंने एक बड़ी सी चपाती के जैसा बेल लिया है और इसको एक कटोरी की मदद से कट कर लेंगे। और निकाल लेंगे। अभी हम जो कट किए हुए पूरी का जो शेप है इसमें हम निशान बना देंगे। फिर इसको पलट लेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल। इसी तरह सब पे लगाएंगे और इसको पलट लेंगे और फिर फोर्क से निशान बना लेंगे। फिर इसको फोल्ड कर लेंगे। खाने में बहुत ही क्रिस्प बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है और टी टाइम स्नैक्स के रूप में ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। इसी तरह दूसरा भी हम चपाती तैयार करेंगे और उसमें से छोटी छोटी पूरी के साइज का कट करके और सेम प्रोसेस से तैयार कर लेंगे। अभी मैंने सारी लिमकी को ऐसा शेप दे दिया है और अभी हम इसको थोड़ा थोड़ा सा बेल लेंगे।
ऐसा बेल लेंगे। अभी मैंने सारी मठरियों को बेल लिया है और अभी चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस में। इधर मैंने कढ़ाई लगाया है और इसमें तेल गर्म हो चुका है, तो अभी हम इसमें डाल देते हैं और गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। अभी हमारी निमकियाँ गोल्डन होना शुरू हो गई हैं, तो अभी हम इनको निकाल लेंगे। इनको कहीं पे निमकी, कहीं पे नमक पारा, कहीं पे मठरी बोला जाता है और चाय के साथ में बहुत ही अच्छी लगती हैं ये मठरियाँ। और सबसे बड़ी बात, इनको बनाने के बाद 15 से 20 दिन तक एंजॉय कर सकते हैं, इनको एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं स्टोर करके। तो अभी हम इनको निकाल देते हैं। अभी हम डाल देंगे दूसरा बैच और इनको भी गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। अभी हमारा दूसरा बैच भी तैयार हो चुका है, तो अभी हम निकाल लेते हैं और गैस को करेंगे बंद। तो तैयार है हमारे बहुत ही खस्ता परतदार निमकी या मठरी या नमक पारा, जो भी कह लीजिए, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होता है ये और सबसे बेस्ट टी टाइम स्नैक्स के रूप में भी। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने कमेंट दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।